हेलो फ्रेंड्स, क्लास एट्थ अगेन आई एम हियर। टुडे आई एम टेलिंग यू पॉलिटिकल साइंस चैप्टर एट, कन्फ्रोंटिंग मार्जिनलाइजेशन पढ़ रहे हैं आज हम। जो भी हमने अभी तक पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में, वी रेड अबाउट टू डिफरेंट ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुपों के बारे में पढ़ा, उनके अनुभव के बारे में कि उनको किस तरह की इनइक्वालिटी थी और किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन था, पक्षपात था, इक्वलिटी नहीं थी। दो पावरलेस जो थे वो पावरलेस थे, सच ग्रुप है फोर्ट। इस ग्रुप ने लड़ाई लड़ी, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, स्ट्रगल संघर्ष किया अगेंस्ट बीन एक्सक्लूडेड, जो उनको बाहर किया जाता था और दूसरे लोगों के द्वारा नीचा दिखाया जाता था, डोमिनेट किया जाता था। दे हैव अटेम्प्टेड टू ओवरकम, उन्होंने कई प्रयास किए इस सिचुएशन को जीतने के लिए। By adopting a range of strategy, एक रणनीति बनाई, इसके लिए एक लंबा इतिहास रहा है उनका। रिलीजियस सोलेस की अगर हम बात करें, रिलीजियस सोलेस जो है आर्म्ड है एंड स्ट्रगल जो किया सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, और एजुकेशन जो थी हमारी और इकोनॉमिक स्ट्रगल जो था सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म सुधार जो था, और शिक्षा और इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। दे अपियर्स टू बी नो वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इन ऑल केस चॉइस ऑफ स्ट्रगल जो था हैज डिपेंड द सर्कमटेंसेज, परिस्थितियों पर डिपेंड था। एंड द मार्जिनलाइज जो थे फाइंड देमसेल्फ इन, उन्होंने ये पाया कई परिस्थितियाँ उन्होंने देखी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सम ऑफ द वे, उन तरीकों के बारे में जिसमें जो ग्रुप थे और जो इंडिविजुअल्स चैलेंजेज उनके सामने आए इनइक्वलिटी के, जैसे आदिवासी थे, दलित थे, मुस्लिम थे, मुस्लिम महिलाएं थी, दलित आदिवासी और अदर मार्जिनल ग्रुप जो थे, आर्ग्यू किया उन्होंने दैट सिंप्लाई बाय बीइंग सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन होने के नाते दे प्रोसेस इक्वल राइट्स दिए एंड दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, जैसे चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, दलित मुस्लिम या वुमेन्स आदिवासी, जो इनइक्वलिटी देखी जाती थी तो सिटीजन्स दो आर्ग्यू किया कि जो सिटीजन है डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी को इक्वल राइट दिए जाए और सभी को क्या किया जाए, रिस्पेक्ट आदर दिया जाए। मैनी अमंग देम लुक अप टू कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और एड्रेस किया और उनके पे चिंता व्यक्त की कि इन देश चैप्टर में हम देखेंगे समटाइम द मार्जिनल ग्रुप इन्वोक इन द कोर्स ऑफ द स्ट्रगल, इन्वोक किया गया उन्हें, ए पार्ट ऑफ दिस वी विल लुक एट हाउ राइट्स आर ट्रांसलेटेड, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो राइट्स अधिकार थे किस तरह से उनको ट्रांसलेट किया गया, लॉ बनाए गए, इन ग्रुपों को सुरक्षित किया गया फ्रॉम कंटिन्यू एक्सप्लोटेशन जिससे कि इन ग्रुपों का शोषण ना हो। एंड वी विल ऑल्सो लुक एट द गवर्नमेंट एफर्ट्स, हम गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में भी देखेंगे, टू फॉर्मुलेट पॉलिसी टू प्रमोट द एक्सेस ऑफ द ग्रुप टू डेवलपमेंट, किस तरह से इन ग्रुपों का डेवलपमेंट होता है। इनवोक फंडामेंटल राइट्स, अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान, एज यू हैव लर्न, जैसा कि आपने देखा इन द फर्स्ट चैप्टर में ऑफ दिस बुक, इस चैप्टर की फर्स्ट बुक में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, लेस डाउन प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत जो हमारी सोसाइटी को पॉलिटी डेमोक्रेटिक बनाते हैं। दे आर डिफाइंड, वो किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, दो द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, हमारे अधिकार हैं, एंड दैट आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं जो हर सिटीजन को इक्वली दिए गए हैं। दीज राइट आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस, ये जो अधिकार हैं सभी भारतीयों को दिए गए हैं इक्वली, समान रूप से, यानी कि किसी को ज़्यादा किसी को कम दिए गए हैं, रिच को ज़्यादा पुअर को कम, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पीपल जो हैं इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, मार्जिनलाइज जो कंसर्न, मार्जिनलाइज हैं जो समाज में कंसर्न, चिंतित जो होते हैं उनके संदर्भ में दे हैव ड्रॉ ऑन दीज राइट्स, इन राइट्सों को अगर हम दो तरीकों से देखें, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स, जो हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हम इंसिस्ट करते हैं, दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकोगनाइज द इनजस्टिस डन टू देम, गवर्नमेंट को ये फोर्स किया गया है कि गवर्नमेंट ये पहचाने या गवर्नमेंट ये जाने कि इन मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए क्या हुआ है,
इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है इनके लिए, इन पर बहुत ज़्यादा अन्याय किया जाता है अपर कास्ट कम्युनिटीज़ के द्वारा, पावरफुल कम्युनिटीज़ के द्वारा। जो मेजोरिटी में है कम्युनिटीज़, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट करती है। आइदर वो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग होते हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि दे हैव इंसिस्ट दैट गवर्नमेंट इन्फोर्स, गवर्नमेंट क्या करे इनके लिए कानून बनाए, लॉज। इन सम इंस्टेंस कुछ उदाहरण हम देखते हैं, स्ट्रगल ऑफ मार्जिनलाइज, मार्जिनलाइज लोगों ने जो स्ट्रगल किया, हैव इन्फ्लुएंस्ड, उससे क्या प्रभाव पड़ा, द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज, गवर्नमेंट ने न्यू लॉज बनाए इन कीपिंग विद दिस स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 17 हम ये कहता है देश का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के लिए क्या कहता है आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलाइज, जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, वो क्या किया गया हैज बीन एबोलाइज किया गया है, रोक लगाई गई है छुआछूत पे। व्हाट दिस मीन, इसका क्या अर्थ है कि अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 में एबोलाइज किया गया है, इसका अर्थ है कि नो वन कैन हैंसफोर्थ प्रिवेंट दलित, इसका अर्थ है कि कोई भी लोअर कास्ट को या दलित को एजुकेटिंग देमसेल, शिक्षित करने से नहीं रोक सकता, हम लोग दलितों को एजुकेशन देने से इग्नोर नहीं कर सकते, वी कांट इग्नोर द दलित फॉर गेटिंग एजुकेशन, एजुकेशन लेने के पूरा उनको राइट्स है, दलितों को हम एजुकेशन से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इंटरिंग टेम्पल, मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते हम दलितों को। यूजिंग पब्लिक फैसिलिटी, जो भी पब्लिक फैसिलिटी है, जैसे होटल में खाना खाने की बात करें हम, या कहीं पर ट्रैवलिंग यात्रा कर रहा है वो, या पार्क में घूम रहा है वो, या ट्यूबवेल से पानी लेके आ रहा है वो, जो भी समाज में पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो भी उनको समान रूप से दी जाएंगी जितनी अपर कास्ट के लोगों को दी जाती है। इट ऑल्सो मीन्स दैट, ये इसका अर्थ ये भी है कि इट इज़ रॉन्ग वल, ये बहुत गलत माना जाएगा जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है, यानी लागू कर रहा है या मान रहा है, दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेट, और ये जो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल, अनटचेबिलिटी क्या है, छुआछूत क्या है, एक पनिशेबल है, यानी एक अपराध है आज की डेट में, पनिशेबल है, यानी कि इससे क्या होगी, सजा मिलेगी, क्राइम माना जाएगा। ये जो अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, देयर आर अदर सेक्शन, कुछ अदर सेक्शंस भी हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, दैट हेल्प, जो मदद करते हैं टू स्टैंड द आर्ग्यूमेंट्स, जो आर्ग्यूमेंट्स है इस आर्ग्यूमेंट्स के लिए स्टैंड, एक शक्ति देते हैं छुआछूत के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें आर्टिकल 15 में कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी नागरिक भारत का, शैल बी डिस्क्रिमिनेट, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भारत के किसी भी नागरिक का डिस्क्रिमिनेट यानी पक्षपात नहीं किया जाएगा, इक्वलिटी में इक्वलिटी इक्वल माने जाएंगे, अगेंस्ट वल ऑन द रिलीजन, धर्म के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, सेक्स के आधार पर, या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पीपल से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इट मीन्स एवरी पर्सन इज इक्वल, समान माना जाएगा। क्लास 7 की टेक्स्ट बुक में हमने एक चैप्टर में इक्वलिटी पढ़ा था, इक्वलिटी पर, दिस हैज बीन यूज बाय दलित टू सीक इक्वलिटी, तो इससे दलित लोगों को क्या होगी, इक्वलिटी मिलेगी, वेयर इट हैज बीन डिनाइड टू देम, जहां पर इनको पहुंचने से पहले रोका जाता था। देयरफोर अगर हम बात करें दलितों की, कैन इनवोक और ड्रॉ किया जाता है उनको फंडामेंटल राइट्स से, इनवोक कर सकते हैं वो इन सिचुएशन वेयर दे फील, उस परिस्थिति में जहां वो फील करते हैं कि दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली, केस कर सकते हैं या अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, जहां पर उन्हें लगता है
जिस सोसाइटी में या जिस जगह पर उनको बैडली ट्रीटेड किया जाता है, अगर उन्हें ऐसा लगता है इफ दे आर ट्रीटेड बैडली किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा या किसी समुदाय के द्वारा उन्हें ऐसा लगता है तो वो इन्वोक कर सकते हैं। और इवन भाई यहाँ तक कि सरकार के द्वारा भी अगर लगता है कि उनकी कम्युनिटी को, दलितों को इग्नोर किया जा रहा है या राइट्स या इक्वलिटी नहीं दी जा रही, फ्रीडम नहीं दी जा रही है, उस कंडीशन में वो दे कैन अपील इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वो इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट अवॉइड वाइट, गवर्नमेंट भी इससे बधी हुई है, एंड इट जो जस्टिस टू देम, जिससे उनको न्याय मिले। लाइक वाइज अगर हम बात करें अदर जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, अल्पसंख्यक समूह हैं जो संख्या में कम है, हैव ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट्स। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, हम देखते हैं ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन के, दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन द राइट टू फ्रीडम। पर्टिकुलरली क्या है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की, उसको मानने की, उसका प्रचार करने की पूरी फ्रीडम है। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की अगर हम बात करें, जो हमारी संस्कृति है देश की और जो हमारे एजुकेशनल राइट है, हमें शिक्षा पाने का अधिकार है, शिक्षा से किसी भी कम्युनिटी के वर्ग बच्चों को, किसी भी लोगों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इन द केस ऑफ कल्चर, अगर हम कल्चर की बात करें या एजुकेशनल राइट की बात करें, डिस्टिंक्ट कल्चर है, यहाँ पर अलग अलग तरह की संस्कृति है, अलग अलग धर्म को मानने वाले ग्रुप है यहाँ पे, जैसे कि मुस्लिम है और पारसीज हैं, हैव द राइट टू द गार्जियन ऑफ कंटेंट ऑफ देयर कल्चर। वो क्या है, उनको एक राइट है कि वो गार्जियन माने जाएंगे, यानी कि अपनी संस्कृति को या अपने धर्म के लिए वो क्या कर सकते हैं, राइट्स टू मेक डिसीजन, उनको डिसीजन लेने का अधिकार है ऑन हाउ बेस्ट दिस कंटेंट इज टू बी प्रिजर्व। उनके जो धर्म में, उनके कल्चर में जो भी कंटेंट है, जो भी बताया गया है, उसको प्रिजर्व रखने का उन्हें पूरा पूरा राइट है। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में, हिंदुइज्म में, हिंदुत्व में हम ये देखते हैं, हमें हमारे जो कंटेंट में, हमारे जो डाइटीज हैं या हमारा जो कल्चर है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसको प्रिजर्व रखने का हमारी कम्युनिटी को, हिंदू में पूरा अधिकार है। हमें हर धर्म के व्यक्ति को अपने अपने कम्युनिटी को फॉलो करने का, उसका प्रचार करने का, उसको कन्फेस करने का और प्रोपोगेट करने का पूरा अधिकार है। दस बाई ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म्स, अगर हम देखें जो अलग अलग फॉर्म्स हैं हमारे कल्चरल राइट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू इंश्योर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो कल्चरल जस्टिस है, सांस्कृतिक जो न्याय हम कह सकते हैं, हर संस्कृति अपने आप में क्या है, बेस्ट होती है, सुपीरियर होती है, ये नहीं कि एक संस्कृति ज्यादा बड़ी होती है या दूसरी संस्कृति बड़ी नहीं होती है। संस्कृति काफ़ी एंशियंट होती है, हमारे इंडिया में हर ग्रुप की, हर कम्युनिटी की एक संस्कृति होती है। कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस डू द कल्चरल ऑफ दिस, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कर सकता है, डज कल्चरल जो होते हैं, सांस्कृतिक ऑफ दिस ग्रुप इज नॉट डोमिनेटेड, कि जो संस्कृति है इनकी वो दूसरे ग्रुप के द्वारा, ग्रुप इज नॉट डोमिनेटेड और वाइप्ड आउट बाई द कल्चर ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। जो मेजोरिटी कम्युनिटी का कल्चर है, जो ज्यादा संख्या में है, उन मेजोरिटी कम्युनिटी के कल्चर के समान ही माइनॉरिटी ग्रुप के कल्चर को भी एडॉप्ट किया जाता है, और ये नहीं कि मेजोरिटी ग्रुप के कल्चर वाले माइनॉरिटी ग्रुप के कल्चर को डोमिनेट करने का प्रयास करें। लॉज जो बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं मार्जिनलाइज के लिए, एज यू हैव रेड, जैसा कि हमने ये पढ़ा, एज वी हैव रेड, गवर्नमेंट मेक लॉज, गवर्नमेंट लॉ बनाती है टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, येट दिस इज नॉट ओनली वे, लेकिन केवल यही एक तरीका नहीं है, इन विच इट टेक एक्शन, जिसके कारण एक्शन लिया जाए, देयर आर स्पेसिफिक लॉ, ऐसे कई सारे स्पेसिफिक लॉ हैं और पॉलिसी हैं फॉर द मार्जिनलाइज, मार्जिनलाइज के लिए हमारे देश में, देयर आर पॉलिसीज, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, दैट इमर्ज दो अदर मीन्स, जो अदर तरीके से क्या है, इमर्ज की गई है, लाइक सेटिंग अप कमेटी, जैसे कमेटियां बनाई गई है, समिति बनाई गई है, एंड बाय अंडरटेकिंग ए सर्वे, इनका सर्वे करने के बाद सरकार ने समिति बनाई है। गवर्नमेंट दैट मेक्स एन एफर्ट, गवर्नमेंट क्या करती है,
एफर्ट्स प्रयास करती है टू प्रमोट सच पॉलिसीज, ऐसी नीतियों को इन कम्युनिटीज वालों के लिए ऐसी नीतियां बनाने के लिए, इन पर लागू करने के लिए प्रयास करती है, इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी, और इनको अवसर देती है किसी स्पेसिफिक ग्रुप को। अब प्रमोटिंग कैसे करती है, सोशल जस्टिस कैसे मिल सकता है, ए पार्ट ऑफ देयर एफर्ट्स अगर हम बात करें, इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, सुधार करता है बोथ स्टेट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम बनाते हैं ये फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ट्राइबल एरियाज जो हैं, जनजाति वाले इलाके हैं, वहाँ पर लागू सुधार किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन एरिया दे हैव द हाई, जहाँ पर दलितों की जनसंख्या ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री और सब्सिडी हॉस्टल, गवर्नमेंट बहुत सारे जगहों पर दलितों के लिए फ्री हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उन स्टूडेंटों के लिए जो बैकवर्ड एरिया से, आदिवासी एरिया से सिटीज में एजुकेशन लेने के लिए आते हैं, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री हॉस्टल्स फैसिलिटी या सब्सिडी पर, बहुत ही कम कीमत पर हॉस्टल फैसिलिटी देती है दलित और आदिवासियों के लिए, कम्युनिटियों के लिए। दे कैन एवेल ऑफ, जिससे कि वो एजुकेशन फैसिलिटी को ले सकें, दैट मे नॉट बी अवेलेबल, जो उनके इलाकों में एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, तो जो दलित कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से सब्सिडी या फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल में रह के अपनी एजुकेशन को पूरी कर सकते हैं। इन एडिशन अगर हम बात करें टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज, अगर हम देखते हैं द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट दो लॉ, गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट दो लॉज टू इंश्योर दैट कंसीडर्ड स्टेप्स टेकन टू एंड, बहुत सारे स्टेप्स ले गए हैं जो आर टेकन टू एंड इनइक्विटी इन द सिस्टम, इनइक्विटी देखी जाती है सिस्टम में। वन सच लॉज जो होती हैं और पॉलिसीज हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज जो हैं, आरक्षित पॉलिसियां, दैट टुडे इज बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंसेंट्रियस हैं, द लॉ विच रिजर्व सीट, वो कानून जिससे सीटें क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं एजुकेशन में, एजुकेशन में भी बहुत सारी सीटें रिजर्व होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलित, गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी के लिए भी, अगर वो एजुकेशन लेना चाह रहा है या कोई MBBS कोर्स या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, वहाँ भी सीटें रिजर्व होती हैं दलित आदिवासियों के लिए, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है वहाँ भी दलित और आदिवासियों के लिए क्या होता है, सीटें रिजर्व होती हैं, बेस्ड ऑन एन इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स जो है, दैट इन ए सोसाइटी, हमारी जो समाज है लाइक अवर, वेयर फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक जो पॉपुलेशन थी, सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन डिनाइड, उनके जो आदिवासी हैं या दलित हैं उनको अपॉर्चुनिटी से डिनाई किया गया, यानी दूर रखा गया, टू लर्न टू वर्क, और जिन्हें कोई भी काम सीखने के लिए या स्किल सीखने के लिए अलाउड नहीं था उस टाइम पर, तो ये डेवलप किया गया कि वो नए तरीके से नया स्किल सीखेंगे, वोकेशन कोर्स करेंगे, टेक्निकल कोर्स करेंगे, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही स्टेप अपनाया जाता है सरकार के द्वारा कि इन एन असिस्ट दियर सेक्शन, उनके जो सेक्शन है, उनका जो ग्रुप है, उनका जो समुदाय, उनको आगे अपलिफ्ट किया जाएगा। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क, अगर हम देखें कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है आखिर वो काम कैसे करती है एक देश में, अब दलित आदिवासी है उनको एजुकेशन में भी हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, सोसाइटीज में हर जगह पर कोई भी स्कीम का लाभ लेने के लिए, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं उनका लाभ लेने के लिए उनको एक रिजर्वेशन दिया जाता है। गवर्नमेंट जो होती है अक्रॉस इंडिया में हैव देयर ओन लिस्ट, गवर्नमेंट के पास अपनी एक लिस्ट होती है शेड्यूल कास्ट की, जिसमें किस किस कास्ट के लोगों को गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया है, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड, दलित होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स भी और बैकवर्ड भी और अदर बैकवर्ड कास्ट, किन लोगों को SC में, किसको ST में, शेड्यूल ट्राइब्स में और किसको अदर बैकवर्ड कास्ट में गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है, उसकी एक गवर्नमेंट के पास लिस्ट रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ऐसी लिस्ट होती है। स्टूडेंट अप्लाइंग, वो स्टूडेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं किसी जगह अपनी एजुकेशन को पूरी करने के लिए, किसी कॉलेज में या किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग फॉर पोस्ट, या वो लोग जो अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, आर एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि फॉर नीड प्रूफ,
उनके पास पूरा ये प्रूफ होता है, होना चाहिए अपनी कास्ट का और ट्राइबल स्टेटस का, जो जनजातीय स्थिति है, इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब, किसके रूप में उनके पास कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट, जनजाति का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैनी गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ऑल्सो आस, गवर्नमेंट भी मांगती है कहीं, अगर आप इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ए गवर्नमेंट जॉब एंड वेर एवर वी आर अप्लाइंग आइदर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी वो ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है इन कैंडिडेटों से जो दलित या आदिवासी हैं, और इन कैंडिडेटों से जो फॉर्म भरते हैं वो उसमें अपनी कास्ट को, ट्राइबल स्टेटस को मेंशन करने के लिए कहा जाता है। इफ ए पर्टिकुलर दलित कास्ट, यदि कोई दलित कास्ट का या सर्टेन ट्राइब्स का इज ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट में शामिल है, मान लो उसकी कास्ट मीणा है या कुछ अदर कम्युनिटी है या जंगपांगी है, कोई भी उसकी जो कास्ट है, अगर उसकी जो कास्ट है गवर्नमेंट लिस्ट में शामिल है कि वो आदिवासी या ओबीसी में माना जाता है, तो अ कैंडिडेट फ्रॉम दैट कास्ट, उस कैंडिडेट जो उस कास्ट का है या ट्राइबल का है, कैन एवल ऑफ द बेनिफिट रिजर्वल, वो क्या है गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है उसके तहत गवर्नमेंट रिजर्वेशन बेनिफिट, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए वो कैपेबल होगा अगर उसकी कास्ट गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई लिस्ट में शामिल है उसकी कास्ट भी, तो सर्टिफिकेट दिखा के वो ये प्रूफ कर सकता है कि वो रिजर्वेशन लेने का अधिकार रखता है। फॉर एडमिशन, अगर हमें एडमिशन लेना है कॉलेज में, स्पेशली किसी इंस्टीट्यूशन में या ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन में लेना है हमने, जैसे कि मेडिकल कॉलेज है, MBBS करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं या कोई भी अदर कोर्स करते हैं हम, गवर्नमेंट डिफाइन ए सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स, तो गवर्नमेंट क्या करती है वहां पर, जनरल के लिए अलग, दलितों के लिए अलग, आदिवासियों के लिए अलग, वुमेन्स के लिए अलग, एक कट ऑफ जारी करते हैं, यानी कि उतने मार्क्स से उसका सिलेक्शन होगा, उतने मार्क्स से। दिस मीन्स दैट नॉट ऑल द दलित, इसका अर्थ है कि सभी दलित या ट्राइबल कैंडिडेट एडमिशन के लिए क्वालिफाई नहीं है, बट ओनली दोज, उन दलितों और आदिवासियों में से वो ही अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, हु हैव डन रीजनेबली वेल, जिन्होंने अच्छा किया है। यानी दलितों में भी कट ऑफ देखी जाएगी, जिसे मान लो किसी के 48 मार्क्स हैं, सबसे ज्यादा का देखेंगे 48, फिर देखेंगे 49, फिर 50, फिर 51, फिर 55, ऐसे देखेंगे, तो लोवेस्ट से देखता जाए कि लोवेस्ट से कितने से उसकी कट ऑफ स्टार्ट हो गई है। ऐसे हो सकता है मान लो कट ऑफ हम 68 कहते हैं, तो 68 लोवेस्ट माना जाएगा, 68 के बाद फिर उसके आगे 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 बहुत ज्यादा होंगे, यानी लोवेस्ट जो हम देखेंगे उसको हम कट ऑफ कहते हैं। वेल एंड सिक्योर्ड मार्क्स अबव द कट ऑफ पॉइंट्स, गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति देती है जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, फॉर दोज स्टूडेंट इन क्लास 9th में, अगर आप जब जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में, आप रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में, और जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके बारे में आप ज्यादा पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे जो प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित, हम कैसे जो दलितों के राइट्स हैं, जो आदिवासियों के अधिकार हैं, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस सोसाइटी में, हम कैसे उनको एक इक्वलिटी और फ्रीडम दे सकते हैं, और क्या इसमें केवल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स देने से क्या उनमें समाज में इक्वलिटी नजर आएगी, तो क्या किया जा सकता है। इन एडिशन, अगर हम देखें टू पॉलिसीज अवर कंट्री, जो हमारे देश में पॉलिसीज बनती हैं, ऑल्सो एज स्पेसिफिक लॉज, और कुछ स्पेसिफिक लॉज कानून हैं, वो क्या करते हैं, गार्ड, एक सुरक्षा का काम करते हैं अगेन डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो इनके अगेंस्ट हम देखते हैं इक्वलिटी नहीं देखी जाती, जो इनका शोषण होता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का। अब हम पढ़ेंगे, लेट अस रीड द फॉलोइंग केस स्टडी, एक फॉलोइंग केस स्टडी पढ़ेंगे, एडाप्टेड फ्रॉम रियल लाइफ से हम इसको कनेक्ट करेंगे अकाउंट अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए कि जो दलित है, दलित कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं जो कानून ने उन्हें दिए।
दलित किस तरह से एक प्रोटेक्शन ले सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं अपने बचाव के लिए, दलित और आदिवासी लोग समाज में एक इज्जत से जीने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए स्टडी करते हैं। द विलेज ऑफ झगमलगुर जो था, तो झगमलगुर जो गांव था, आर गियरिंग अप फॉर ए बिग फेस्टिवल, वो क्या बनाने जा रहा था, एक बड़ा त्योहार मनाने जा रहा था उस गांव में, एक बड़ा सा त्योहार हो रहा था और जो त्योहार था वो 5 साल में एक बार मनाया जाता था। द लोकल डाइटी, और उस त्योहार में जो 5 साल में एक बार मनाया जाता था, जो लोकल डाइटीज थे यानी देवी देवता थे, ऑनर्ड, उनका सम्मान किया जाता था। एंड प्रिस्ट, जो प्रिस्ट होते थे, पुजारी लोग होते थे, नजदीक के गांव से आते थे। 20 नेबरिंग विलेज, 20 जो पड़ोस के जो गांव थे, उन गांवों से, 20 विलेजों से पुजारी आते थे, लोकल देवी देवताओं का सम्मान किया जाता था। 5 साल में एक बार ये फेस्टिवल होता था, कम फॉर दिस 5 ईयर इवेंट, और जो 5 साल में एक बार हो रहा है फेस्टिवल जिनमें सम्मान किया जाता था देवी देवताओं का, 5 दिनों तक ये इवेंट चलता था। सेरेमनी विगेन, और जो सेरेमनी थी, ये समारोह जो था वो कब शुरू होता था, विद अ मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी, जो दलित कम्युनिटी थी दलित समुदाय था, उन सदस्यों के साथ ये शुरू होता था। यानी कि दलित समुदाय था वो क्या करते थे, पुजारियों के पैर धोने का काम होता था उनका, एंड देन बाथिंग, और उनके बाद उनको नहलाया जाता था, देन बाथिंग इन वाटर यूज्ड फॉर दी, और वो पानी जो एक तैयार किया जाता था उस पानी के द्वारा दलितों पुजारियों को नहलाया जाता था। इन झगमलगुर द पर्सन, झगमलगुर में जो पर्सन थे वो परफॉर्म द टास्क, जो ये काम किया करते थे वो रतनाम परिवार के थे, यानी कि पुजारियों के पैर धोने का काम, उनको नहलाने का काम रतनाम परिवार का हुआ करता था। हिज फादर, उसके पिताजी और उसके जो दादाजी थे, हैड बोथ, दोनों को ही, जो दोनों ने ये काम किया था, सेम टास्क किया था उससे पहले, रतनाम, जो रतनाम का परिवार था वो ये काम किया करता होगा, कभी उसके दादा ने, फिर उसके पापा ने, ये जो 5 साल में जो एक बार उनके गांव में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता था उसमें ये जो प्रथा चली आ रही थी, रतनाम के फैमिली ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया था। उसके पिताजी ने, उसके दादा ने यही काम किया था उससे पहले। थॉट दे वर नेवर अलाउड, लेकिन उसने ये सोचा, थॉट दे वर नेवर अलाउड, उनको कभी भी मंदिर में अलाउड नहीं किया जाता था, केवल उनका काम पुजारियों के पैर धोना और उनको नहलाना होता था। दिस रिचुअल्स, जो ये संस्कार थे, रिचुअल्स था, वर व्यूड, वो किन के द्वारा देखा जाता था, ग्रेट ऑनर, जो बहुत सम्मानित लोग थे, बेस्टो, वो सम्मानित जो गांव में जमींदार लोग थे उनके द्वारा, ऑन देम, ऑन दिस स्पेशल ओकेजन में उनको बुलाया जाता था, उनके द्वारा देखा जाता था ये सारा एक्टिविटीज। नाउ इट वॉज रतनाम टर्न, अब कई सालों बीतने के बाद अब रतनाम की बारी आई थी कि रतनाम को ये एक्टिविटी करनी थी कि उसे ब्राह्मणों के पैर धोने थे, पुजारियों के पैर धोने थे। इट रतनाम की बारी है, रतनाम वॉज ऑल ऑफ 20 ईयर्स, जो रतनाम था, रतनाम एक लड़का था जिसकी एज 20 ईयर्स थी, वो 20 साल का था, स्टडिंग इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया करता था इन ए नियर बाई कॉलेज, नजदीक के कॉलेज में वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। उसने ये रिचुअल्स करने से, ये संस्कारों को करने से, ब्राह्मणों के पैर धोने से, उनको नहलाने से, जो प्रथा चली आ रही थी उनके पापा और दादाओं से, पूर्वजों से, उसको मानने से मना कर दिया। ही सेड, उसने ये कहा, दैट ही हैड नो फेथ, उसका इस तरह की प्रैक्टिस में, मतलब इस तरह के रिवाजों को मानने का कोई विश्वास नहीं है, वो नहीं मानता इन तरह के रिवाजों को। दिस इज फैमिली मेंबर वाज फोर्स्ड, जिसमें उसके परिवार के सदस्यों को मजबूर किया जाता था इस संस्कारों को करने के लिए, बिकॉज क्योंकि वो दलित थे, तो एज ए दलित होने के कारण उसके पिताजी और उसके दादाजी इस तरह के संस्कारों में, धार्मिक संस्थानों में, जो संस्कार थे, जो रीति रिवाज थे, उसमें हिस्सा लिया करते होंगे। लेकिन रतनाम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, वो पढ़ा लिखा था ही, तो उसे ये विश्वास हुआ कि नहीं, ये क्या है, उन दलितों को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, इक्वलिटी नहीं है और फ्रीडम नहीं है उनको, वो अपनी बातों को नहीं कह सकते हैं।
तो एज ए दलित होने के कारण उनको इस तरीके से वहां पर इस रिचुअल्स में बुलाया जाता था। रतनाम ने रिफ्यूज कर दिया और एंगर और बहुत गुस्सा हुआ। बो द पावरफुल कास्ट, किस पर गुस्सा हुआ? जो पावरफुल कास्ट थे, जो शक्तिशाली जातियां थी, पावरफुल थे, रिच लोग थे गांव में, और सम फैमिलीज और कुछ परिवारों पर जो उसकी ओन कम्युनिटी के लोग थे, उसके परिवार के ही समुदाय के लोग या उसके समुदाय के और लोग जो थे उन पर भी काफी गुस्सा हुआ कि वो किस तरीके से इस रिवाजों में हिस्सा लेते थे। पावरफुल कास्ट जो थी, जो शक्तिशाली कास्ट थे, वो उन्होंने क्या किया, काफी शॉक्ड हुए ये देखकर कि कैसे एक रतनाम लड़का रिफ्यूज कर सकता है ये संस्कारों को मानने से। दैट सच ए यंग बॉय हैज गट्स, क्या उस पर इतना गट्स आ गया है कि वो रिफ्यूज कर दें, जो सालों से चले आ रहा है, सालों से चला आ रहा है ओकेजन, उसको मानने से इनकार कर दे, उसकी ये हिम्मत। दे बिलीव्ड, उन्होंने ये यकीन किया दैट इट वॉज रतनाम एजुकेशन, ये रतनाम का ही पढ़ने लिखने से उसका दिमाग खराब हो गया है। विच अलाउड हिम, जो क्या करता है, उसे अलाउड करता है, इमेजिन दैट ही कुड स्टार्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ, और वो इमेजिन कर रहा है, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है और लोगों के साथ। दोज फ्रॉम रतनाम ओन कास्ट, बल्कि वो लोग भी जो रतनाम के कास्ट के ही थे, उन्हें भी काफी डर लग रहा था ऑफ एंगरिंग, कि जो पावरफुल लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड जमींदार लोग हैं, उन लोगों के गुस्से से उन्हें भी डर लग रहा था। रतनाम की अपनी ही कास्ट के लोग काफी डरे हुए थे। कारण क्या था? मैनी वर्कड ऑन द फील्ड, बहुत सारे लोग इन रिच पावरफुल लोगों के मैदान फील्ड खेतों में काम करते थे एज ए डेली वेज, डेली वेजेस के रूप में इनको वेजिस मिलता था काम करने के बदले। इफ द डोमिनेंट कास्ट डिसाइडेड, यदि जो डोमिनेंट यानी कि दो कास्ट को डोमिनेंट किया गया है अपर कास्ट के द्वारा, अगर ये डिसाइड करती है कि वो उन्हें नहीं बुलाएगी, अगर इन डोमिनेंट दलित कास्टों को रिच पावरफुल लोगों के द्वारा अपने खेतों में काम करने के लिए अगर नहीं बुलाया गया, तो व्हाट वुड दे अर्न, वो क्या कमाएंगे, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी। उनको यही डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उनके गुस्से का शिकार उन लोगों को भी होना पड़े जो इन लोगों के खेतों में काम करते हैं। दे ऑल्सो डिक्लेयर दैट, उन्होंने तो ये तक घोषित कर दिया कि जो रेत है, जो क्रोध है, स्थानीय जो देवी है उनकी, उसके क्रोध का विभाजन, उसके क्रोध को सभी जो दलित कम्युनिटी है उनको ना सहना पड़े, वो स्ट्राइक उन पर ना पड़े, कहीं जो स्थानीय देवी है उन पर क्रोधित ना हो जाए। दे रिफ्यूज टू गिव इन, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज टू गिव इन। रतनाम ने ये आर्ग्यू किया दैट गिवन दैट नॉट ए सिंगल दलित, अरे एक सिंगल दलित भी जब मंदिर में नहीं एंटर करने देते हैं, एंटर अलाउड नहीं है, तो कैसे एक डाइटी, एक जो देवी है, स्थानीय देवी है, उन पर क्रोधित होगी। देवी क्रोधित कैसे हो सकती है जब किसी भी दलित को मंदिर में ही नहीं जाने आने दिया जाता। द पावरफुल कास्ट के जो लोग थे ऊपर की जाति के, उन्होंने रतनाम को सबक सिखाने की सोची कि इसकी ये हिम्मत कि अपर कास्ट के पीपल्स को इग्नोर करे, उनको वैल्यू न दे। हिज कम्युनिटी वॉज ऑर्डर्ड, उसकी कम्युनिटी को क्या किया गया, ये उसके समुदाय को, जितने दलित समुदाय था उतना बहुत ज्यादा थोड़ा पॉपुलेशन होती होगी, उनको ये ऑर्डर दिया गया कि टू ऑस्ट्राइज हिम, यानी कि उसको अपने समुदाय से क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, यानी कि उसको अपने उसके समुदाय से बेदखल कर दिया जाए और उसके परिवार को, रतनाम को परिवार को दलित समुदाय से बाहर कर दिया जाए अगर वो ऐसा नहीं करते हैं। और एवरीवन, और हर किसी को ये बता दिया गया, नो वन शुड स्पीक, कोई भी उससे बात नहीं करेगा उसके परिवार से, टू आस्क फॉर हिम, और ना उससे कुछ काम की कुछ बात करेगा, एनी वर्क उसके साथ काम करेगा और ना उनसे बात करेगा, यानी कि उसको बाहर कर दिया गया, रतनाम और रतनाम के परिवार को उसके समुदाय से अपर कास्ट के लोगों ने बाहर कर दिया है, यानी कि उसके गांव में होते हुए भी अदर कम्युनिटी वालों से, अपने ही कम्युनिटी वालों से कोई लिंकअप नहीं था, कोई भी एक सामाजिक जो संपर्क है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो नहीं था।
वन नाइट, एक रात को क्या हुआ, सम मैन, कुछ व्यक्तियों ने इंटर दियर पार्ट ऑफ विलेज, उसके गांव में आ गए और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। ही मैनेज टू इसके, वो किसी तरह से अपनी माँ और अपनी जान बचा के वहां से भाग गया। रतनाम ने क्या किया, देन वेंट टू ए फाइल ए केस, उन्होंने एक केस फाइल किया इन द लोकल पुलिस स्टेशन में। रतनाम ने एक केस फाइल कर दिया लोकल पुलिस स्टेशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 के तहत। अदर दलित फैमिली जो थे फिर भी उसके साथ कोई नहीं आया कम विद इन उसके सपोर्ट में, एज दे वर स्कैर्ड दैट सिमिलर फेट माइट वेट, उनको यकीन था दैट वेर स्कैर्ड, वो बिल्कुल डरे हुए थे, सिमिलर फेट माइट अवेट देम इफ दे स्पोक आउट, अगर वो बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको अदर जो कम्युनिटीज के द्वारा, अदर जो पावरफुल लोग हैं कास्ट के लोग उनके द्वारा उनको परेशान न किया जाए। द केस वॉज पिक्ड अप बाय लोकल मीडिया, और इस केस को जो लोकल मीडिया थी वहाँ के जो अखबार थे उनके द्वारा भी इस केस को लिया गया। एंड मैनी जर्नलिस्ट ने गांव में विजिट किया, रतनाम वॉज रिटर्न अबाउट एज ए सिम्बल, रतनाम को एक सिम्बल ऑफ दलित के रूप में बहुत ज्यादा फोकस किया गया। द रिचुअल्स वर कॉल्ड अप, हालांकि जो रिचुअल्स था जो संस्कार थे जो रीति रिवाज चला आ रहा था उसको कॉल ऑफ कर दिया, बट इस फैमिली बंद कर दिया, लेकिन उसके परिवार में को फोर्स किया गया कि वो वहां से चला जाए, कंटिन्यू टू बी ऑस्टराइज किया गया, उसको वहां से बेदखल कर दिया, उस गांव से ही उसको बाहर कर दिया। पावरफुल कास्ट जो उस गांव में पावरफुल कास्ट जो ताकतवर जो लोग थे जो अपर कास्ट के लोग थे उन लोगों के द्वारा रतनाम और रतनाम के परिवार को उस गांव में नहीं रहने दिया, उस गांव से उसे बेदखल कर दिया यानी बाहर कर दिया। इस तरीके की ये दलित की एक स्टोरी थी। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करें, प्रिवेंशन ऑफ एटो राइट्स जो है एट्रोसाइट्स एक्ट 1989 में एक एक्ट बना दिया गया जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो दलित लोग हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स यानी जो आदिवासी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट में कौन आते हैं, जो दलित हैं जो डोमिनेट किए जाते हैं अपर कास्ट के द्वारा उनको दलित बोलते हैं, और शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी होते हैं जंगलों में रहते हैं बैकवर्ड एरियाज में उनको शेड्यूल ट्राइब्स मानते हैं। जो प्रिवेंशन एक एट्रोसाइट एक एक्ट बना दिया 1989 में, रतनाम सो द सपोर्ट ऑफ लॉ, रतनाम ने क्या किया, सो द सपोर्ट, कानून की मदद ली थी, सपोर्ट किया था, सपोर्ट कानून की सपोर्ट से ही उसने क्या किया, इतना बड़ा कदम उठाया था कि वो अपर पावरफुल जो लोग हैं उनके अगेंस्ट लड़ा। फाइलिंग इज कंप्लेन, उसने अपनी कंप्लेन करी अंडर द अबव एक्ट, इसी एक्ट के तहत, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनको एक सुरक्षा प्रदान करता है कि जो रिच लोग हैं या पावरफुल लोग हैं उनके द्वारा लोअर कास्ट के लोगों को डोमिनेट ना किया जाए, प्रताड़ित ना किया जाए, दबाया ना जाए, इग्नोर ना किया जाए। वायलेंस ऑफ द पावरफुल कास्ट, जो वायलेंस हमने देखी कि रातों रात रतनाम और रतनाम के घर में आग तक लगा दी थी, किसी तरह से रतनाम अपनी माँ को बचाते हुए वहां से निकल भागा और फाइनली उसने इन पावरफुल लोगों के अगेंस्ट जो पावरफुल अपर कास्ट के लोग हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेन की थी। दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989 में जो एक्ट बना था इन रिस्पॉन्स टू डिमांड मेड बाई दलितों के द्वारा एंड अदर दैट गवर्नमेंट मस्ट टेक, गवर्नमेंट क्या करेगी, सीरियसली इल ट्रीटमेंट करेगी और ह्यूमिलाइजेशन, एक मानवता जो दुर्व्यवहार है, एक गंभीर जो दुर्व्यवहार किया जाता था, अच्छा व्यवहार नहीं करने को दुर्व्यवहार बोलते हैं, अपर कास्ट के द्वारा दलितों के लिए जो दुर्व्यवहार है और जो मानवता है, दलित और ट्राइबल ग्रुप्स जो थे फेस इसका सामना करना पड़ता था एवरीडे के सेंस में। वाइल्ड सच ट्रीटमेंट, जबकि जो ट्रीटमेंट हैज परसिस्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, इट हैड एक्वायर ए वायलेंट कैरेक्टर्स इन द लेट 1970 और 1980 के टाइम पर, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में इन द पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया, दक्षिण भारत में हमने नंबर ऑफ एसर्टिव दलित्स जो थे ग्रुप केम इनटू विंग, अपने राइट्स के लिए वो आगे आए, एसर्ट्स किया, दे रिफ्यूज, उन्होंने इनकार कर दिया टू परफॉर्म देयर सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज, जो उनकी जाति की ड्यूटियाज थी उनको करने से, जो उनके जो करते आ रहे थे जो पूर्वजों से उनको करने से मना कर दिया, एंड इंसिस्ट ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली, और इस बात के लिए जोर दिया कि उनको सोसाइटी में इक्वली ट्रीट किया जाए लाइक रतनाम, जैसे कि रतनाम ने किया था। रतनाम ने जो सालों से चला आ रही थी
जो फेस्टिवल चला आ रहा था, जिनमें उसके पापा और दादाओं ने भी हिस्सा लिया था, उस प्रथा को मानने से इनकार कर दिया था। टू फॉलो प्रैक्टिस लोकेटेड इन ह्यूमिलाइजेशन एक्सप्लोटेशन, उसने ये माना कि ये तो एकदम से दो दलित हैं, उनका शोषण है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको एक सोसाइटी में इक्वलिटी की नज़र से नहीं देखा जा रहा है। क्यों दलित लोग आखिर इन पुजारियों के पैर धोए, आखिर दलित। दिस रिजल्टेड, इसके परिणाम में क्या हुआ, इन द मोस्ट पावरफुल कास्ट, जो लोग थे अपर कास्ट के लोग, शक्तिशाली जो जाति के लोग थे, अनलीजिंग वायलेंस करने लगे, हिंसा करने लगे, उनको शायद डराने लगे, धमकाने लगे उनको, इन द ऑर्डर टू इंडिकेट टू द गवर्नमेंट द इंटचेबिलिटी वॉज स्टिल बींग प्रैक्टिस। इसके बावजूद भी, गवर्नमेंट में इंडिकेट करने के बावजूद भी, स्टिल देखा जाता है कि जो मोस्ट जगहों पर अनटचेबिलिटी देखी जाती है, टिल प्रैक्टिस एंड इन मोस्ट हिडियस मैनर। जो दलित ग्रुप थे, डिमांड किया उन्होंने जो नए लॉ कानून थे दैट वुड लिस्ट द वेरियस सॉर्ट ऑफ वायलेंस, कई तरह के वायलेंसेस, हिंसा हुई दलितों के अगेंस्ट, एंड प्रिस्क्राइब स्ट्रेंजेस्ट पनिशमेंट फॉर दोज हु इंडल्ज इन, और उनको पनिशमेंट दी गई जो इस वायलेंस में इंक्लूडेड थे। लाइकवाइज दो द 1970s और 1980s की बात करें तो आदिवासी जो पीपल थे सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज, अपने आप को उन्होंने तब तक संगठित कर दिया था, एंड डिमांडेड, और ये डिमांड रखी कि इक्वल राइट्स दिए जाएं फॉर देयर लैंड, उनकी ज़मीनों पर उनके जो संसाधन हैं उनको वापस दिए जाएं, रिटर्न टू दैम। दे टू हैड टू फेस द एंगर, उनको जो पावरफुल लोग थे उनके गुस्से का भी सामना करना पड़ा, एंड सब्जेक्ट टू ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, और बहुत ज़्यादा हिंसा भी हुई। दिस डेट इज़ वाई द एक्ट कंटेन, जो एक्ट कानून था बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट थी ऑफ क्राइम्स, अपराधों की, सम ऑफ विच आर टू हॉरिबल, जिसमें से बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा भयानक डरावने थे, इवन टू कंटेम्पलेट द एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब, ये एक्ट जो है ना केवल ये डिस्क्राइब करता है कि जो टेरिबल है, जो डरावने, जो मतलब अपराध हैं, बट ऑल्सो लेट पीपल टू नो, लोगों को ये जानने के लिए कि व्हाट ड्रीटफुल, कितने जो डरावने काम हैं ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ। इन दिस सेंस में जो लॉज हैं, कानून हैं, सच एज दीज सीक टू बोथ पनिश एज वेल एज द इन्फ्लुएंस दे वे वी थिंक एंड एक्ट, जो एक प्रभाव पड़ता है जो हम देखते हैं इन कानूनों का, बोथ पनिश, जो सजा के रूप में, और प्रभाव है। द एक्ट डिस्टिंग्विश सेवरल लेवल ऑफ क्राइम, ये जो एक्ट है कई सेवरल लेवल ऑफ क्राइम्स को डिस्टिंग्विश करता है। फर्स्टली हम देखते हैं, फर्स्टली इट लिस्ट मोड ऑफ ह्यूमिलाइजेशन दैट आर बोथ फिजिकली, जो फिजिकली हॉरिफिक हैं, एंड मॉरली रिप्रेंसिबल है। इसका अर्थ ये है कि दैट सीक टू पनिश दोज, ये उन लोगों को पनिश कर सकता है जो पनिश्ड दोज वो फोर्स ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं टू ड्रिंक और ईट, वो पीने के लिए या खाने के लिए जो इनएडेबल है या अब नॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, फोर्सबली रिमूव, या फोर्सली उनके कपड़े उतार देते हैं, या फ्रॉम ए पर्सन ऑफ मेंबर, या उनके सदस्यों के किसी पर्सन के शेड्यूल कास्ट का, जो शेड्यूल ट्राइब्स का है, उसकी परेड कराई जाती है हर नेग्ड, उसके कपड़े उतार के और उसके चेहरे पर पेंट लगा दिया जाता है उसकी पूरी बॉडी पर, और उसको जान गधे के ऊपर बिठा के पूरे गांव में घुमाया जाता है। ऐसी घटनाएं भी हमने गांव में कई बार सुनी है कि जहां पर एक दलित आदमी ने ट्यूबवेल से पानी पीना चाहा तो अपर कास्ट के लोगों ने उस दलित कास्ट के चेहरे पर पेंट लगा के, उसके कपड़े उतार के, उसके गले में माला पहना के पूरे गाँव में घुमाया। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो अलाउड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंडली जो हम देखते हैं, इट लिट एक्शन दैट डिस्पोजेज दलित एंड आदिवासी ऑफ देयर मिग्री, उनके पास मतलब बहुत कम जो रिसोर्सेज संसाधन है, और विच फोर्स्ड हैं, जो भी इनको मजबूर किया जाता है, इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर, कम संसाधन होने के कारण एक्सप्लोटेशन किया जाता है अपर कास्ट के पावरफुल लोगों के द्वारा, उनको स्लेव यानी कि एक गुलाम बना के, स्लेव बना के, दास बना के रखा जाता है लेबर के रूप में। दस द एक्ट सेट आउट टू पनिश, इसीलिए एक्ट क्या करता है, उन लोगों को पनिश करता है, एनीवन रॉन्गफुली ऑक्यूपाई, अगर इसलिए एक्ट के द्वारा उनको पनिश करने का लॉ है।
रॉन्गली ऑक्यूपाई जो है कल्टिवेट्स एनी लैंड्स ओन जो है जो भी लैंड में कल्टिवेशंस करते हैं जो उनको लैंड अलॉटेड हैं जो मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो भी लैंड गवर्नमेंट के द्वारा अलॉटेड हैं दिए गए हैं शेड्यूल ट्राइब्स और गेट इज लैंड अलॉटेड टू हिम ट्रांसफर तो उनको वो लैंड अपर कास्ट के द्वारा जो उनको कैप्चर की गई है उनकी लैंड उसको अलॉट करने के लिए ट्रांसफर करने के लिए भी लॉ है। एट अनदर लेवल अगर हम देखें तो एक्ट रिकॉग्नाइज ये एक्ट क्या रिकॉग्नाइज करता है द क्राइम अगेंस्ट दलित्स एंड ट्राइबल वुमेन जो थी आदिवासी महिलाएं आर ऑफ स्पेसिफिक काइंड एंड देयरफॉर सीक्स टू पेनलाइज एनीवन जो एजॉल्ट करता है ऐसी दलित महिलाओं को ट्राइबल वुमेन्स को एजॉल्ट करता है एंड यूज फोर्स और फोर्सली एनी वुमेन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की है अगर उसका इंटेंट जो है डिसऑनर करता है उसे तो उसमें भी उसको क्या है सजा देने का प्रावधान है। आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 का जो एक्ट है 1989 के एक्ट में अभी इम्पॉर्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर अनदर रीजन किसी अन्य रीजन के कारण भी आदिवासी एक्टिविस्ट जो थे रिफर्स वो ये बताते हैं कि डिफेंड दियर राइट्स उनको अपने राइट्स को क्या करना है डिफेंड करना है एंड टू ऑक्यूपाई लैंड जो लैंड को वो ऑक्यूपाई ग्रहण कर सकते हैं किसी भूमि को जिस पर उनके ट्रेडिशनल रहनी पुश्तैनी अधिकार थे दियर्स एज यू रेड प्रीवियस चैप्टर में हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ा आदिवासी आर ऑफन अनविलिंग जो आदिवासी होते हैं ऑफन क्या होते हैं अनविलिंग अनिच्छुक होते हैं अनिच्छुक दिखे थे अपनी जगह से अपनी जमीन से और उस जगह से जाने के लिए जहाँ उनके पुश्तैनी अधिकार थे उनके दादाओं के परदादाओं के अधिकार थे जिस भूमि पर जिन जंगलों पर उस जगह से जाने के लिए वह तैयार नहीं थे। उड़ीसा के एग्जाम्पल में हमने आदिवासी का पढ़ा था जहाँ पर कुछ अपर कास्ट के जो लोग थे उनके द्वारा जबरदस्ती फोर्सली उनको वहां से हटाया गया उनको पीटा गया इनजस्ट अन्याय किया गया और उनको जितनी उनकी जमीन थी उसका बहुत ही कम अमाउंट दिया गया और इस तरह की घटनाएं अक्सर हमने देखी। तो आप फोर्सली क्या कहते हैं सख्ती से यानी जबरदस्ती उनको वहां से डिस्प्लेस हटा दिया गया। एक्टिविस्ट ऑल हैव आस्क्ड दैट दोज हु हैव फोर्सबली इनक्रोच जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने उन लोगों के लिए जिन्होंने फोर्सली इनक्रोच किया था ट्राइबल लोगों की लैंड प्रॉपर्टी को उनको पनिश करने का प्रावधान इस कानून के तहत अब है जो अपर कास्ट के लोग अगर किसी दलित की या आदिवासी की जमीन को फोर्सली कैप्चर करते हैं उनको मारते पीटते हैं उनके साथ वायलेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक कानून है कि उसके लिए वो उनको सजा मिल सकती है। दे हैव ऑल्सो पॉइंटेड उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि द फैक्ट दैट दिस एक्ट मेयरली कन्फर्म व्हाट हैज ऑलरेडी बीन प्रॉमिस्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल पीपल्स के लिए क्या वादा किया गया है क्या लिखा गया है दैट लैंड बिलोंगिंग टू वो लिखा गया है कि कोई भी लैंड जो ट्राइबल पीपल की है कैन नॉट बी सोल्ड और बॉट बाय नॉन ट्राइबल जैसे दलित के सेंस में भी है अगर कोई जमीन दलित की है तो दलित की जमीन किसी अपर कास्ट के व्यक्तियों के द्वारा नहीं खरीदी जा सकती किसी दलित की जमीन को इट मीन्स कि दलित अपर कास्ट की जमीन को खरीद सकता है लेकिन दलित के लैंड को अपर कास्ट के लोगों के द्वारा या आदिवासियों के लैंड को अपर कास्ट के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता सोल्ड नहीं किया जा सकता या बॉट नहीं लिया जा सकता नॉन ट्राइबल पीपल के द्वारा जो नॉन ट्राइबल पीपल हैं उनके द्वारा ट्राइबल पीपल की लैंड पर कैप्चर नहीं किया जा सकता उनको टॉर्चर नहीं किया जा सकता उन पर वायलेंस नहीं की जा सकती जबरदस्ती उन पर अपना अधिकार नहीं जमाया जा सकता ना जबरदस्ती और ना वैसे इन केस वेयर दिस हैज हैपन उस केसेस में जहाँ ऐसा होता है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल जो ट्राइबल पीपल के राइट्स हैं इसके तहत उनको जो जमीन है वो दोबारा से उनको अलॉट की जा सकती है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का कानून है कानून उनकी मदद करेगा ट्राइबल आदिवासियों की उनकी जमीन उनको वापस दिलाने में कानून लड़ेगा उनसे उन पावरफुल लोगों से रिच लोगों से जो आदिवासी लोगों की जमीनों को जबरदस्ती हड़प लेते हैं। सी के जानू जो एक्टिविस्ट थी ही ऑल्सो हैज ऑल्सो पॉइंटेड उसने ये पॉइंट आउट भी किया दैट वंस ऑफ द वायलेटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो वायलेटर्स हैं यानी कानून के जो अधिकार है जो गारंटी देता है उनको वायलेट करते हैं
टू ट्राइबल्स पीपल आर गवर्न इन वेरियस स्टेट. जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो बहुत अन्य स्टेटों की जो गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेटों की, फॉर इज दैट हु अलाउ नॉन ट्राइबल, जो नॉन ट्राइबल को इनक्रोच करने का अधिकार दे रहा है. इनक्रोच इन होम, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्य में बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, टिम्बर लकड़ी के व्यापारी होते हैं, पेपर मिल होती हैं बहुत लोगों की, बड़े बड़े रिच मर्चेंट और यहाँ कहते हैं बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ कहीं पर वो माइनिंग कर रहे होते हैं, तो माइनिंग के अगल बगल में बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटीज रहती है, तो उन आदिवासी कम्युनिटीज़ का एक्सप्लोटेशन करते हुए देखा गया इन मर्चेंटों के द्वारा, इन बिजनेसमैनों के द्वारा, इन ट्रेडर्स के द्वारा, जो गवर्नमेंट को कई सारा टैक्स देते हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मदद से इन लोगों का एक्सप्लोटेशन देखा जाता है. उन वर्कर और लोकल जो आदिवासी कम्युनिटीज के मेंबर्स हैं, उन लोगों को भी एज ए लेबर वो माइनिंग में काम कराते हैं. टिम्बर मर्चेंट हैं जो फोर्सली वो क्या करते हैं, शक्ति से इविक ट्राइबल पीपल्स को फ्रॉम दियर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट. तो क्या करते हैं, जो उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट हैं, जहाँ उनके बाप दादाओं के अधिकार थे उनके ट्रेडिशनल, उसमें क्या करते हैं, वहाँ से उनको बेदखल कर देते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग फॉरेस्ट, ये कहते हुए कि उस फॉरेस्ट में जहाँ उनके अधिकार हैं वो क्या घोषित कर दें, उन्होंने रिजर्व्ड आरक्षित घोषित कर दिए, और वो वहाँ पर जो फॉरेस्ट वो सूखी लकड़ियाँ लेते हैं, या अपने जानवरों को चराते हैं, या हंटिंग करते हैं, या फ्रूट्स लेते हैं. तो इस तरह के जो उनकी डिपेंडेंसी थी फॉरेस्ट पर, उनके जो राइट्स थे, जो ट्रेडिशनल राइट्स थे, उनसे भी उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, ऐसा देखा गया. इविक्टेड कैन नॉट गो बैक टू दियर लैंड, और इस तरह से वो क्या करते हैं, ट्राइबल हैव ऑलरेडी बीन इविक्टेड किया गया, और कैन नॉट अपनी जमीन पर वापस नहीं जा सकते थे, दे मस्ट बी कंपेंसेटेड, दैट इज द गवर्नमेंट मस्ट ड्रॉ. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे प्लान बनाने चाहिए, पॉलिसीज बनाने चाहिए फॉर देम टू लिव, जिससे कि वो साथ रह सकें, काम कर सकें. आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्पेंड, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को कभी कभी किसी एरियाज में, किसी फॉरेस्ट एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क बनाना होता है, या कंस्ट्रक्शन करना होता है, या डैम्स बनाना होता है, इंडस्ट्री सेट करनी होती है, तो उस कंडीशन में जो ड्वेलर्स हैं, आदिवासी रहने वाले जो लोग हैं, उनको उस जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करती है, जिसके लिए गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन मुआवजा भी देती है. लार्ज सम ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग्स के में खर्च करती है, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को बनाती है ऑन लैंड जो ट्राइबल से लिए. तो वाई शुड दे बी रिलुकेंट टू स्पेंड, तो वाई शुड, उन्हें क्यों रिलुकेंट, इच्छुक होना चाहिए स्पेंड द एवरी मोडेस्ट अमाउंट ऑफ रिहेबिलिटिंग और डिस्प्लेस. उनको दोबारा से पुनर्वास करने के लिए, दूसरी जगह के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करती है. इसका जो कंक्लूजन हमने निकाला, एज वी कैन सी, जैसा हम देखते हैं जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स है, अस्तित्व है जो कानून का, अधिकारों का है, इवन ए पॉलिसी ऑन पेपर डज नॉट मीन, इसका अर्थ ये नहीं कि यो एक रियलिटी में भी हैं, वो जो कानून है रियलिटी में भी हमें देखने को मिलते हैं. पीपल हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क, लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं, एफर्ट्स प्रयास करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं दीज प्रिंसिपल्स का, और गाइड करते हैं एक्शन ऑफ दियर जो फेलो सिटीजन हमारे देश के, और इवन दियर लीडर भी, दे डिजायर जो उनकी इच्छा है फॉर इक्वलिटी के लिए, कि समानता दी जाए, डिग्निटी उनका सम्मान हो, एंड उनका आदर हो, उनका आत्मसम्मान है और उनका आदर जो है, इज नॉट न्यू, वो नया नहीं है. इट हैज एग्जिस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में थ्रू आउट द हिस्ट्री में हम देखते हैं, सीन इन दिस चैप्टर. सिमिलरली इवन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सिमिलर जो प्रोसेस हैं, जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, राइटिंग है, और जो नेगोटिएशंस है ऑर्गेनाइजिंग, उसको नीड टू कंटिन्यू, इसे जारी रखने की अभी ज़रूरत हम देखते हैं. यार अगर हम देखें जो मैनुअल स्क्रैवेंजिंग है, आखिर ये मैनुअल स्क्रैवेंजिंग होता क्या है. मैनुअल स्क्रैवेंजिंग रिफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग, यानी कि वो काम करना जिसमें जो ह्यूमन और एनिमल का वेस्टेज है, एक्सक्रीटा है, स्टूल है, वो झाड़ू की मदद से टिन प्लेटों में या बास्केट में ड्राई लेटिंग को कैरिंग एक जगह से सर में रख के दूसरी जगह में डिस्पोज किया जाता है ग्राउंड में. ए मैनुअल स्क्रेवेंजर इज द पर्सन, मैनुअल स्क्रेवेंजर वो व्यक्ति होता है हु डज द जॉब, जो ये काम करता है कैरिंग दिस फिल्ट. द
द जॉब इज मेनली डन बाय दलित वुमेन, और इस तरह का काम ड्राई लेटिंस को बास्केट में रख के दूर फेंकने का काम दलित महिलाओं के द्वारा या यंग गर्ल्स के द्वारा या किसी मेल पर्सन के द्वारा किया जाता है अकॉर्डिंग टू द आंध्र प्रदेश बेस्ड। आंध्र प्रदेश में जो एक सफाई कर्मचारी आंदोलन हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो काम कर रहा था मैनुअल स्क्रैमेंजर में। डियर आर, हम देखते हैं कि 1 लाख पर्सन अभी भारत में दलित कम्युनिटी हैं जो कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड, जो कंटिन्यू करती है एम्प्लॉयड के लिए इन द जॉब इन द कंट्री एंड हु वर्क इन 26 लाख प्राइवेट, और बहुत सारे ऐसे हैं जो 26 लाख प्राइवेट कम्युनिटी में काम करते हैं, प्राइवेट समुदाय हैं जो ड्राई लेटिंस मैनेज करते हैं और म्यूनसिपालिटी यानी नगर पालिका में काम करते हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं। मैनुअल स्क्रैवेंजर अगर हम देखें आर एक्सपोज्ड, उसको एक्सपोज इसका खुलासा किया गया है टू सब ह्यूमन कंडीशन, ये अमानवीय कंडीशन क्यों है, वर्क एंड फेस, क्योंकि जो ये काम करते हैं उनको कई बार कई जो सीरियस गंभीर हेल्थ स्वास्थ्य के हैजर्ड्स देखने को मिलते, परेशानियां उनको फेस करनी पड़ती हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली जो एक्सपोज करते हैं इंटरफेक्शन दैट इफेक्ट, उनकी आंखों पर असर पड़ता है जो ये काम करते हैं, गंदगी में उनको काम करना पड़ता है, इन स्किन पर उनके और रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है, गैस्ट इंटेस्टाइनल सिस्टम है जो आते हैं उन पर असर पड़ता है। दे गेट वेरी लो वेजेस, और इसके अलावा जो ये काम करते हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और उनको बहुत कम वेजेस मिलता है फॉर द वर्क दे परफॉर्म, जो काम करते हैं, और इस सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट तो है नहीं, उनको इन्फीरियर समझा जाता है। द वर्किंग इन बहुत कम उनको वेजेस मिलता है जो वो काम करते हैं। जो अर्बन म्यूनसिपालिटी जो शहरों में नगर पालिका में काम करते हैं वो तो 200 रुपीज़ पर डे कमाते हैं, और दोज जो प्राइवेट में करते हैं, नगर पालिका में नहीं करते हैं, लोगों के घरों में जो जाते हैं इस तरह का काम करने के लिए, उनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं और रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, इग्नोर किया जाता है सोसाइटी में, वैल्यू उतनी नहीं है उन लोगों उनके काम की। एज यू हैव रेड अर्लियर, जैसे कि हमने इस बुक में अर्लियर में पढ़ा, जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, छुआछूत जो है उनको अनटचेबल्स माना जाता है समाज में क्योंकि वो इस तरह का काम करते हैं, हैज बीन एबोलिश, जबकि अनटचेबिलिटी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में छुआछूत को क्या किया गया है, एबोलिश यानी कि अलाउड नहीं है, अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड है। However, मैनुअल स्क्रैवेंजर, हालांकि जब हम मैनुअल स्क्रैवेंजर की बात करें डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में आज भी देखे जाते हैं, जैसे इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है हर स्टेट में, गुजरात में इनको भंगी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पाखीज बोलते हैं और सेकेलियस तमिलनाडु में बोलते हैं। कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड अनटचेबल, इनको अनटचेबल माना जाता है यानी छुआछूत, इनको छूना पसंद नहीं करते हैं लोग, इग्नोर करते हैं इनको, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, समाज में वैल्यू नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होता है इनके साथ, अनटचेबिलिटी के तहत वैल्यू नहीं दी जाती। दे ऑफन लिव इन सेपरेट, और कई बार जो अनटचेबल्स होते हैं इनकी एक अलग ही बस्तियां होती हैं सेपरेट शहर से, गाँव से दूर बस्तियों में ये रहते हैं, एंड डिनाई, और इनको मंदिरों में भी नहीं प्रवेश करने दिया जाता, डिनाई एक्सेस टू टेम्पल, और पब्लिक वाटर फैसिलिटी भी इन्हें नहीं दी जाती। इन 1993 की अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्रैवेंजर, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मैनुअल स्क्रैवेंजर का एक एक्ट पास किया, जो कंस्ट्रक्शन और जो ड्राई लेटिंग था उसमें प्रोविजन निषेध किया गया है। द लॉ, ये लॉ क्या प्रोवाइड करता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है मैनुअल स्क्रैवेंजर एज वेल एज कंस्ट्रक्शन जो है अब ड्राई लेटिंग्स का, इन 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलनों ने और 13 अदर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इंडिविजुअल लोगों ने और 7 स्क्रैवेंजर लोगों ने एक PIL दायर की सुप्रीम कोर्ट में। द पिटिशनर्स थे जिन्होंने पिटिशन दायर की थी, याचिका कंप्लेन की उन्होंने कि जो मैनुअल स्क्रैवेंजिंग का काम है अभी भी स्टिल देखा एग्जिस्ट है भारत में कानून बनने के बाद भी, इट कंटिन्यू इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जैसे गवर्नमेंट अंडर रेलवे सेक्टर्स में भी ऐसा देखा जा रहा है कि रेलवे सेक्टर में भी मैनुअल स्क्रैवेंजर का काम देखा जा रहा है जो ड्राई लेटिंस उठाने का काम करते हैं। द प्रैक्टिशनर सॉ इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स का हवाला दिया, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कई सारे मैनुअल स्क्रैवेंजर आज भी भारत में
बड़े हैं सिंस 1993 के लॉ बनाने के बाद भी। इट डायरेक्टेड एवरी वन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया, स्टेट गवर्नमेंट को वेरीफाई किया कि विद इन सिक्स मंथ ये पता लगाएं कि मैनुअल स्क्रेवेंजिंग वाज फाउंड टू एग्जिस्ट एट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैव टू एक्टिवली टेक अप द टाइम बाउंड प्रोग्राम। एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया गया जिसके तहत फॉर द लिबरलाइजेशन एंड रिहेबिलाइजेशन के लिए काम किया। और जो प्रोविजन था प्रोविजन एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्क्रेवेंजर के तहत रिहेबिलाइटेशन एक्ट जो आया 67/2013 से, जिसके तहत इस तरह का काम करना कानूनी रूप से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और जो लोग अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं उसके लिए एक क्राइम अनटचेबिलिटी का ऑफेंसिव है, अलाउड नहीं है सोसाइटी में, एक्सेप्टेबल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।